नागपुर शहर में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार जारी है और शहर के विभिन्न हिस्सों में नागपुर अपराध के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। नागपुर के सदर थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 45 वर्षीय एक महिला के साथ साइकिलिंग करते समय कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गुनाह दाखिल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सौरभ ओम प्रकाश यादव उम्र 22 तिलांकड़ी निवासी के रूप में हुई है। सिविल लाइन की रहने वाली 45 वर्षीय महिला ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ऑफिस के पास हुई। मंगलवार की शाम महिला रोज की तरह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ऑफिस के सामने से साइकिलिंग कर रही थी। उसी समय आरोपी ने पीछे से आकर महिला को रोका और वह उसके साथ अश्लील व्यवहार करने लगा। पीड़िता ने तुरंत ही वहां से नजदीकी सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके चलते पुलिस ने 354 अ 354 ड के तहत गुनाह दाखिल किया। इस मामले पर ध्यान देते हुए पुलिस पथक के एपीआई मोटे और तापसी अधिकारी WPSI होमेवाड़े इन्होंने वह जाल बिछा कर रखा। पीड़ित ने आरोपी के गाड़ी के कुछ आंकड़े देखे थे और इसके चलते पुलिस टीम ने संशयास्पद गाड़ियों को जब्त कर लिया। जांच के दौरान सदर गुने में आरोपी ने गुनाह कबूल किया। 45 वर्षाचा सिविल लाइन्स येथे राहतात। दिनांक 28 तारखेला त्या इव्हिनिंग संध्याकाळच्या वेळेस 7 वाजताच्या सुमारामध्ये सायकलिंग करत होत्या। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ऑफिसच्या समोर शमशान रोड आहे तिथे, त्या ठिकाणी त्या सायकलने जात असताना मागून एक टू व्हीलर वाहनावर एक इसम आला आणि त्यांनी त्या महिलेचा विनयभंग केला। नंतर त्या महिला तिथून निघाल्या, समोर गेल्या, आणखी हा इसम मागून आला आणि पुन्हा त्या महिलेचा विनयभंग करून तो पळून गेला। फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून आम्ही पोलीस स्टेशनला 354 अ 354 ड बाजूप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य घेऊन आमचे DB पथकचे APM मोठे आणि तपासी अधिकारी WPSI उमेनवाडे यांनी त्या ठिकाणी ट्रॅप लावून ठेवलेला होता आणि फिर्यादीने गाडीचे नंबरचे काही आकडे बघितलेले होते, पूर्ण वाहन नंबर नव्हता बघितला, परंतु काही आकडे बघितले होते आणि त्या आकड्यावरून आमच्या टीमने असे संशयास्पद वाहन ताब्यामध्ये घेतले आणि नंतर त्याला विचारपूस केली असता त्याने सदरच्या गुन्हा केल्याचे कबूल केले। त्याच्याकडून आम्ही त्याचे वाहन जप्त केलेले आहे आणि आरोपीस आम्ही अटक केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे PCN न्यूज नागपूर।